ये जो है अब आना है तुम्हें, राइट। तब मेरे पास दूसरा ऑप्शन, बट अगर हम फ्लो में नहीं करेंगे, अब यहाँ पे मैं करके तुम्हें बता रहा था कि चलो ठीक है, अब तुम एक तरह से रेडी हो, क्या हो? रेडी हो, अब आ जाओ, तुम कहीं ना कहीं रेडी हो जाओ, ठीक है। और वैसे भी हम फ्लो के साथ में ही लॉक किया जाता है, अगर मैं खाली सोचूंगा कि दूसरा आदमी मुझे अपना हाथ देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमने प्रेस किया, वो यहाँ पे आ गया, ओके। अब मुझे फॉलो अप भी कर पता होना चाहिए, अगर फॉलो अप नहीं पता तो क्या नहीं होगा, होगा ही नहीं, तब वही कुश्ती होगी, पकड़ पकड़ के एक दूसरे को गिराओगे। मैच देते हैं, हम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, आई एम गिविंग यू थ्रस्ट, ओके गो, बढ़िया, होल्ड भी करना, यस, गलत हो गया। अब मैं, मुझे पता है कि यहाँ से क्या है, ये लॉक है, तो कोई डायरेक्ट कोई जरूरी थोड़ी था मुझे कि फर्स्ट और सेकंड ही करना, अरे तुमने तुम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये एंड फोर, अब तुमने कहीं गलती कर दी, हम कहीं यहाँ पहुँच गए, ओके। तो तुम्हारे पास भी वही ऑप्शन है जो मेरे पास है, देखो है, मेरे पास भी वही ऑप्शन है, देखो ये सेकंड लॉक था, कोई सीक्वेंस नहीं है, हाँ यहाँ पे जो लॉक आ जाए, जैसे तुमने एंगल वन दिया, मैं यहाँ पहुँच गया, हमने ये सीखा था, ये रिप किया, राइट, ये ठीक है, अब मैं इसके बाद डाउन चला, यहाँ चला गया, ये देखो दिस इज़ कॉल्ड हैंगिंग लॉक, वापस, और अगर मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे तुम्हें डायरेक्ट ग्राउंड पे ले जाना है, तो यहाँ से मैं तुम्हें ग्राउंड, तो लॉक का क्या नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, हम सिर्फ सीखने के लिए सीक्वेंस सीख रहे हैं, बाकी हम ऐसा नहीं है कि हमें जब 1 होगा तभी 2 होगा तभी 3 होगा, किसी भी लॉक को कहीं पे भी किया जा सकता है। 1, 2, 3, 4 आई एम गिविंग यू थ्रस्ट, ओके कम, अब यही टच के साथ तुम्हें जैसे थ्रस्ट, गिव मी थ्रस्ट, अब मैं यहाँ टच कर लूँगा, उसके बाद ढूँढूँगा, नहीं गिव मी थ्रस्ट, तो ये अब मैं ये दूँगा तुम्हें, पकड़ो होल्ड, अब तुमने ये होल्ड किया, उस टाइम जब मैं दे रहा हूँ उस टाइम मैं इसे पिन करूँगा ऊपर और होल्ड करूँगा, तब मैं नीचे जाऊँगा, अब तुम नीचे चले गए, होल्ड कर लो, मीन्स यहाँ हमें सीक्वेंस या फॉलोअप पता होना चाहिए, ओके दैट्स इट।